शेखावटी यूनिवर्सिटी में राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी फाइनल के डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का जो पेपर फर्स्ट जो आपके 33 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से आप सिर्फ इन पेपर को याद करके 30 प्लस नंबर है अच्छे से ला सकते हैं। ऑब्वियसली सिर्फ इसको याद करके, हिंदी मीडियम रहे चाहे आपका इंग्लिश मीडियम रहे, मैं आपको अच्छे से इन क्वेश्चंस को वेरीफाई करूंगा विद इन 10 मिनट्स तक, ठीक है। तो आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपके जो केमिस्ट्री का जो पेपर फर्स्ट है उसमें आपके 5 मिनट दी गई है। इससे पहले मैं बता देता हूँ, बीएससी के रिगार्डिंग जूलॉजी, बोटनी और केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, यानी जिसमें आप 33 या 34 में से 30 प्लस नंबर ला सकते हैं, उसके मैंने लेक्चर है, मैंने जो वीडियोज है मेरे चैनल पर अपलोड कर दिए, उनको जाके आप वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को भी आपको कोई पैसा नहीं देना है, वहाँ पे देख सकते हैं और अपना अच्छे नंबर ला सकते हैं। देखिए वन बाई वन इसको डिस्कस करते हैं। आपकी यूनिट 5 दी हुई है, पर यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन है HASB, ठीक है। HASB जो हार्ड एसिड जो सॉफ्ट बेस थ्योरी है, परिकल्पना से संबंधित विभिन्न सिद्धांत, ठीक है। इसमें आपके 3 थ्योरी दी हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक पाइबंद थ्योरी और जो पिटजर सिद्धांत, ठीक है। इसमें इस बार देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या तो कंप्लीट क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंप्लीट नहीं पूछा जाएगा तो जो इसमें पिटजर थ्योरी है इसको ढंग से अच्छे से देख लेना, ठीक है। पिटजर थ्योरी, पाइबंद सिद्धांत, इसमें जो बीबी बनती है, बिग बॉन्डिंग बनती है, उसको भी देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है HASB सिद्धांत की सीमाएं, ठीक है। यानी जो HASB सिद्धांत, उसके लिमिटेशन, मतलब क्या इसमें लिमिटेशन रही थी, क्या इसकी कमियां रही थी जिसके कारण से इसको हम 100% अप्रूवल नहीं दे सकते। नेक्स्ट इसमें HASB सिद्धांत के अनुप्रयोग, ठीक है। अब देखो इसमें अनुप्रयोग में सब कुछ आ जाएगा, सहजीविता, कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा सॉफ्ट एसिड है, कौन सा हार्ड है, ठीक है। ऑल ओवर इसी के रिगार्डिंग ध्यान से देख, एक बात और देखना, मैंने यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का एग्जाम्पल नहीं लिखा है, ठीक है। आपको क्वेश्चन एग्जाम में वहां पर एक एग्जाम्पल से संबंधित क्वेश्चन जरूर मिलेगा, जिस तरह से FeCN6 का कोई IPCN6-4- का कंपाउंड दे दिया, Fe2O6-4- का कंपाउंड दे दिया, ठीक है। कुछ भी पूछ लेगा इसमें, हार्ड कौन सा है, सॉफ्ट कौन सा है, तो कैसे है, क्या है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग में एक साथ में लिख देता हूं यहां पे प्लस एग्जांपल, ठीक है। अब एग्जांपल है, एग्जांपल कोई भी हो सकते हैं, देखो एग्जांपल कोई भी हो सकते हैं, एग्जामिनर है वो नया एग्जांपल है वो भी ड्राइव कर लेगा, या जो पहले आए हुए उसमें से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं है, पियर्सन के रिगार्डिंग मैंने ये आपको एक ही बात बताई थी, ठीक है। एक ही बात क्या बताई थी, हार्ड हार्ड से, सॉफ्ट सॉफ्ट से, ठीक है, एसिड बेस से क्रिया होगी, ठीक है। हार्ड हार्ड से करेगा तो क्या होगा, इफेक्टिव बनेगा, मतलब जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। सॉफ्ट सॉफ्ट से करेगा तो भी स्टेबल बनेगा, लेकिन हार्ड सॉफ्ट से करेगा तो अनस्टेबल, सॉफ्ट हार्ड से करेगा तो भी अनस्टेबल। बस एक छोटी सी थ्योरी थी, मैं एक बार देखो जो कुछ स्टूडेंट जो नए हैं मैं उनके लिए बात कर लेता हूँ। हार्ड एसिड हार्ड बेस कंपाउंड, जो भी मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल। सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस कंपाउंड कैसा बनेगा, स्टेबल। हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस अलग अलग हो गए ना, तो कैसा बनेगा, अनस्टेबल। सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस कंपाउंड कैसा बनेगा, अनस्टेबल। बस ये छोटी सी बातें हैं, आपको एसिड बेस और जो एसिड बेस है कौन से क्या होते हैं इसकी सीरीज लिखाई हुई है, आपको सिर्फ क्या करना है, एसिड बेस के एग्जाम्पल देखने हैं, ठीक है। पियर्सन थ्योरी देखी, कोई भी कैसा भी एग्जाम्पल आ जाए आप उसको 100% सोल्व कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कठोर व मृदु क्षारकों के 5 मुख्य लक्षण, ठीक है। यानी जो आपके हार्ड और जो सॉफ्ट बेस है उसके आपको करेक्टर लिखने हैं, यानी एग्जाम्पल्स वगैरह इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है बंधन समावेता, जो आपके लिंकेज आइसोमर है, ठीक है, लिंकेज आइसोमर है उसका इसमें एग्जाम्पल देना है, ठीक है। और नेक्स्ट मैं बात करता हूँ HASB का आयनिक वर्सेस सूचक बंधन सिद्धांत, इस बार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आयनिक में देखो ये उसका मैं बताता हूँ, PKa = -KaAx+By+C, ठीक है, बस वही तो है छोटा सा। नेक्स्ट बात करते हैं संकुलों का स्थायित्व, अम्ल या क्षार की कठोरता है मृदुता से कैसे प्रभावित होता है, यानी कोई भी संकुल है, कोई भी कॉम्प्लेक्स है मेरे पास में, उसमें एसिड या बेस है, वो उसकी हार्डनेस या सॉफ्टनेस है उससे कैसे इफेक्टिव प्रभावित होगा, कोई भी आपको एग्जांपल ले लेना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसको दर्शा देना है, पियर्सन के अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। देखो ये हार्ड नहीं है, फर्स्ट यूनिट इतनी ईजी है जिसका सोच भी नहीं सकते। मैं क्या बोल रहा हूँ, पियर्सन थ्योरी हार्ड हार्ड सॉफ्ट सॉफ्ट से स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है, अदरवाइज अनस्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है। एक ये बात, एसिड और बेस के बस एग्जाम्पल ध्यान में रख लो कि कौन सा कठोर है, कौन सा हार्ड है, कौन सा सॉफ्ट है, बाकी काम कंप्लीट, कोई भी कैसा भी एग्जांपल आए इन थ्योरीज में आप ऑटोमेटिक कर लोगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, देखो यूनिट सेकंड, इसमें LS कपलिंग, ठीक है। ये LS कपलिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है, कपलिंग युग्मन जिसको कपलिंग कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये कौन कौन से इसमें जो टाइप वगैरह दे रखे हैं वो देखने, ठीक है। जो लेंडिंग गुणांक जिसको स्प्लिटिंग फैक्टर कहा जाता है, जिसको जी से व्यक्त किया जाता है, μ = g वाला जो फॉर्मूला है, अरे आप अभी क्या लिखते हो, μ √(n)(n+2) बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है, वहां पर जी वाला फॉर्मूला जो पहले आया था। नेक्स्ट चक्रण सिर्फ सूत्र, देखो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पिन ओनली फॉर्मूला,
फॉर्मूला, म्यू एस का फॉर्मूला लिखा था ना, अरे म्यू एस का फॉर्मूला, म्यू एल का फॉर्मूला, म्यू इफेक्टिव का फॉर्मूला। नेक्स्ट है जोन टेलर डिस्टॉर्शन, इस बार श्योर है मेरी श्योरिटी है आएगा, अच्छे से रट लेना, मेरी श्योरिटी है बोल रहा हूँ आएगा जोन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है। विथ एग्जाम्पल, विदाउट एग्जाम्पल कुछ नहीं होगा, चाहे जोन टेलर के बारे में आप कुछ भी पूरी नाम का नहीं लिख दो कोई मतलब नहीं है, विथ एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, समझ गए ना मेरी बात। नेक्स्ट में बात करता हूँ म्यू एस और म्यू इफेक्टिव में, अरे फॉर्मूला है ना म्यू इफेक्टिव और म्यू एस के में जो रिलेक्शन का, वो उसका डेरिवेशन, डेरिवेशन नहीं भी याद हो पाता है तो म्यू एस का, म्यू एल का, म्यू का फॉर्मूला, इन सबको मिला के लास्ट वाला फॉर्मूला रट्टा मार लेना, ठीक है। नेक्स्ट में बात करता हूँ वीबीटी व सीएफटी में अंतर, कई जमाने से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी चार पांच अंतर है आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट में बात करता हूँ सीएफटी के अनुसार, ये देखो टाइटेनियम जो हेक्सा एक्वा का जो अपने पास में संकुल है इसमें अवशोषण स्पेक्ट्रम है, ये देखो क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था लेकिन इस बार भी इंपॉर्टेंट है, इस बार भी इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचना लास्ट ईयर आया था इस बार नहीं आएगा, इसको अच्छे से याद कर लेना, इस बार भी आएगा ये, ठीक है, इस बार भी आएगा, ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के चुंबकीय व्यवहार, ये वो कौन सा, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय, ठीक है, वो वाले जो पांच प्रकार होते हैं ना वो वाले, उनको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट कक्षीय योगदान का संबंध, ठीक है, ये इस बार आएगा, छप गया पेपर में, ठीक है, ये जो संबंध है मतलब जो कक्षीय योगदान है उसमें जो कक्षीय गति होती है उसके कारण से क्या होता है, जो लिगेंडों में जो प्रतिकर्षण उसके रिगार्डिंग क्या जो भी होता है कि मतलब उसका जो चक्रण है म्यू है ऑल ओवर उसमें कमी आ जाती है, म्यू बराबर क्या होता है म्यू एस प्लस म्यू एल होता है ना, ठीक है, म्यू एल वाले को हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कक्षीय गति के कारण, ओनली म्यू एस को पार्टिसिपेट किया तो ऑल ओवर हमारे क्या है म्यू बराबर अंडर रूट एन मल्टीप्लाई एन प्लस टू, ठीक है, वो वाला, ठीक है, उसमें सुनना ये डेरिवेशन फॉर्मूला जरूर लिखना, अदर लिखने लिखने से काम नहीं होगा, यानी जो आप रामायण लिखते हो ना उससे काम नहीं होगा, फॉर्मूले जरूर लिखने हैं, चार पांच लाइनें म्यू एस म्यू एल म्यू इफेक्टिव का, ठीक है, काम हो जाएगा। नेक्स्ट मैं देखता हूँ सीएफएस क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये क्या है, चतुष्फलक की अष्टफलक के लिए फॉर्मूला ध्यान में रख लेना है, देखो फॉर्मूला ध्यान में रखिए, अब एग्जामिनर क्या कर सकता है, वो उसके माइंड पर डी टू दे दे चाहे डी फोर दे दे कुछ भी दे दे, आपको क्या है मतलब सीएफएस का फॉर्मूला याद है ऑटोमेटिकली कर लोगे। टू जी में क्या होता है, सॉरी अष्टफलक की ऑक्टाइडल में क्या होता है, टू जी नीचे ईजी ऊपर, ठीक है, और इसमें चतुष्फलक में रिवर्स हो गया कंडीशन, बस फॉर्मूला याद है और क्या दिक्कत होगी। नेक्स्ट में बात करता हूँ सहकारी चुंबक, सहकारी का मीनिंग इसमें देखो कोऑपरेटिव, इसमें क्या होता है कई प्रकार के चुंबक के आपस में गुण मिल जाते हैं। नेक्स्ट चुंबक या गुण का ताप पर प्रभाव, ठीक है, अरे क्यूरी ताप, क्यूरी वाइस रूल वे सब पढ़े है ना, तो बस वही तो है ये। नेक्स्ट है ओर्गल आरेख, देखो ओर्गल आरेख है लास्ट ईयर भी आया था, बोले सर इस बार नहीं आएगा, अरे आएगा ओर्गल आरेख आएगा, ओर्गल आरेख है पिछली बार मान लीजिए डी सेवन पे दे दिया तो इस बार डी नाइन पे दे देगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ओर्गल आरेख जो भी पढ़ रखा है उसके डेफिनेशन अच्छे से याद करो, ठीक है, उसका एग्जाम्पल्स कोई सा भी अष्टफलक या चतुष्फलक में देख लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसी में हो जाएगा। नेक्स्ट डी टी संक्रमण के चयन नियम, ठीक है, ये लास्ट ईयर भी आया था लेकिन इस बार भी आएगा, ठीक है, लास्ट ईयर भी आया था ध्यान से सुनना, मैं फिर बोल देता हूँ, देखो कुछ स्टूडेंटों के माइंड में ये रहता है कि लास्ट ईयर है, इस बार नहीं आएगा, आएगा मैं बोल रहा हूं ना आएगा, ठीक है, तो चयन नियम है, इसमें देखो दो नियम होते हैं स्पिन सिलेक्शन रूल और जो लेपोर्ट सिलेक्शन रूल, ठीक है, इन दोनों को अच्छे से देख लेना, अरे डेलएस की वैल्यू जी वाला और इसमें जी से म्यू म्यू यू से सॉरी जी से यू यू से जी वाला वो अलाउड होता है, ठीक है, बस वही तो छोटा सा रूल है। नेक्स्ट है एलएमसीटी एमएलसीटी, ठीक है, ये जो लिगेंड टू मेटल जो ट्रांसफर वाला चार्ज ट्रांसफर और मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, देखो इसके रिगार्डिंग यदि ये किसी को नहीं समझ में आता है ना तो मेरे YouTube चैनल पे एक वीडियो भी डाली हुई है एलएमसीटी एमएलसीटी की, वो भी देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ धातु संकुलों में उष्मा गति के स्थायित्व में प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, धातु कॉम्प्लेक्स है उसका मतलब उष्मा गति के उसका हीटिंग हीट के रिगार्डिंग है, मतलब उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, उसकी जो हार्डनेस है या स्ट्रॉन्गनेस है उसमें कैसे क्या डिग्रेडेबल होता है उसके रिगार्डिंग देखने हैं। नेक्स्ट है प्लेटिनम संकुलों के, ये श्योर है मैं लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा, श्योर है मैं कह देता हूँ, श्योर है एलएमसीटी एमएलसीटी प्लेटिनम संकुलों की नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसमें देखो दो प्रकार की होती है, इसमें एक नाम होता है साक्षरीय क्रियावधि, ठीक है, छोड़ मत देना, मैं फिर बोल रहा हूँ प्लेटिनम संकुलों की नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया आएगा 100%, ठीक है, प्लेटिनम कह रहे वो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना प्लेटिनम सी एल फोर टू माइनस वाला, ठीक है, उसमें जो नाभिक से एनएसआर है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस वाली वो देख लेना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ मार्कस हूस सिद्धांत, ठीक है, मार्कस हूस इसको भी देख लेना, स्पेक्ट्रो केमिकल सेरेनिटी, ठीक है, अरे स्पेक्ट्रो एनओ टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सेरेनी क्या था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड से वीक लिगेंड की ओर, अरे ऑर्डर ही तो लिखना था, वही तो था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, देखो मैं एक बार NO2 EN पिरिमिडीन बाई पिरिमिडीन EDTA फिर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वाला, ठीक है, वही सीरीज थी। अब देखो हो सकता है कि आपके बुक्स में या किसी ने मेरे से पढ़ रखा होगा उनमें बड़ी सारी सीरीज होगी, उसमें करीबन 15 के लिगेंड दिए होंगे, कोई बात नहीं है 15 याद नहीं होते हैं, तो अच्छे से 9 की याद कर लो, 8 9 की याद कर लो, लेकिन एक बार रफ कॉपी में लिख के याद जरूर याद कर लेना। नेक्स्ट मैं बात करता हूं क्रॉस अभिक्रिया, देखो क्रॉस सिस्टम ट्रांसफर हुआ, श्योर है आएगा,
ट्रांसफर भाव श्योर है आएगा, ठीक है। ट्रांसफर भाव में क्या होता है कि कोई भी मेरा संकुल बनता है, कोई भी लिगेंड उसमें आता है, तो आने वाला लिगेंड है वो क्या चाहेगा कि वो ट्रांस स्थिति में रहना चाहेगा, ठीक है। वही ट्रांस इसमें वो प्लेटिनम संकुल का इसका एग्जांपल दे लेना, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है, प्लेटिनम सेकंड वाला ट्रांसफर भाव, ठीक है, आप देख लेना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ धातु कार्बोनिल, ठीक है, यानी एम के साथ में सीओ कार्बोनिल, सीओ ये कार्बोनिल है, कोबाल्ट नहीं है, कार्बोनिल, सी ऑक्सीजन बड़ा लिखा हो तो वो क्या होता है कार्बोनिल, ठीक है। NiCO4 FeCO5 है, ठीक है। इसके धातु कार्बोनिल के प्रकार, बनता किसे किसे कहते हैं, इसकी संरचना, इसको बनाने की विधि देख लेना, ठीक है। EAN, ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी आती है 18 आती है, ठीक है। अरे देखते हैं ना कैसे देखेंगे, मान लीजिए कोई भी कंपाउंड हो तो उसके संयोजकों उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस जो भी उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, कितने में सेट करना होता है 18 में, ठीक है। नेक्स्ट जिग्लर नॉट आउटब्रेक, लास्ट ईयर भी आया था, इस बार भी आएगा, ठीक है। जिग्लर नॉट आउटब्रेक लास्ट ईयर भी आया था, इस बार Al-83 प्लस TiCl4, ठीक है। अरे हो गया ना, ट्राइएथिल एल्यूमिनियम प्लस टेट्राक्लोरो टाइटेनियम। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ लिथियम व टिन के कार्बन धातु के यौगिकों के बनाने की विधियां, ठीक है। देखो इसमें से एक आएगा, मैं श्योर नहीं हूं इसमें कि कौन सा आएगा, लेकिन लिथियम आ जाए टिन, एसन को टिन कहते हैं, ठीक है, इसमें से एक जरूर आ जाएगा। मैं फिर लेकिन देखो आपको दोनों को याद करने, अब आप बोलोगे सर इसमें तो कई सारी रिएक्शन है हमारी याद नहीं होती है, कई प्रकार की दिक्कत आती है। देखो सुनना, बहुत सारे रिएक्शन है, मैं भी मानता हूँ इतनी सारी नहीं याद होगी, ठीक है। गिनी चुनी आप 6 रिएक्शन याद कर लो, हेडिंग से ध्यान में रख लो, गिनी चुनी 6 रिएक्शन ध्यान में रख लो, लेकिन वो 6 रिएक्शन अच्छे से याद होनी चाहिए। रफ कॉपी ले लो, उस पर ट्राई कर लो, ठीक है, लिथियम की भी और टिन की भी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि इसमें था असंतप्त यौगिकों के समांग हाइड्रोजनीकरण, समांग हाइड्रोजन का मीनिंग H2 था, उसको तोड़ा तो एक हाइड्रोजन किसमें चला गया, आपका जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उसमें उसमें चला गया, और नेक्स्ट हाइड्रोजन क्या गया शेष रह गया। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, ये देखो इसकी संरचना, ये मैंने यहाँ पर 4-5 कंपाउंड दिए इनकी संरचना, ठीक है, रफ कॉपी में संरचना बना के देख लेना। फिर कहता हूँ रफ कॉपी में आपके पास जो भी नोट्स वगैरह जो भी कुछ अवेलेबल है वहाँ पे इन सब की संरचना मिल जाएगी, एक एक को देख लेना। एक देखो एग्जामिनर क्या दिमाग लगाएगा, ऐसा बोल देगा इसको टेट्रामेथिल लिथियम, अरे हिंदी का नाम समझ आओगे ना, देखो दिख रहा है ना टेट्रामेथिल लिथियम, इसको दे देगा डाइमेथिल डाइनाइट्रोटिन, ठीक है, इसी तरह से इनके नाम दे सकता है, ठीक है, लेकिन वो का वही आएगा, इन चार में से आएगा, ठीक है, अच्छे से देख लेना इनको। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यूनिट फिफ्थ में फॉस्फोजिन्स वाला, ये फॉस्फोजिन्स इंपॉर्टेंट है, इसकी संरचना देख लेना, ठीक है। कोई सबसे ईजी संरचना है, ये देख लो फॉस्फोजिन सबसे ईजी संरचना है, जिस तरह से आप बेंजीन बना देते हो ना सेम उसी तरह से सेट होगा मामला, ठीक है। इसमें गुण संरचना भी दिया, यानी ये इसके क्या गुण होते हैं, इसको बनाने की विधि है, ठीक है। 2-3 एक रिएक्शन ज्यादा मत याद करना, 2-3 एक जितनी याद होती है वो कर लेना, लेकिन जितनी याद करते हो ढंग से, यानी वहां कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए एग्जाम में, यार आपको भी ले लो अच्छे से ट्राई करो। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सिलिकॉन क्या है इसके प्रकार, ठीक है। देखो सिलिकॉन है, सिलिकॉन इसके प्रकार, आपने ऑर्थो सिलिकेट है, त्रिविमीय सिलिकेट है, ठीक है, और डाई सिलिकेट है, और चतुर सिलिकेट है, आपने जो भी पढ़ रखे हैं, ठीक है, साखित सिलिकेट है, असाखित सिलिकेट है, ठीक है, वो सभी इनके प्रकार है, वो देख लेना, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, एग्जाम्पल यदि याद होते हैं तो याद कर लेना, लेकिन सिलिकेटों के प्रकार व सिलिकेटों के जो संरचना बनाते हो ना, अरे ऑर्थो सिलिकेट बनाए, त्रिविमीय सिलिकेट, वो संरचना जरूर से बनानी है कॉपी में। अरे रामायण लिखते हो ना 2-4 लाइनों की, ये कोई नहीं पढ़ता, संरचना देखेगा कि ऑर्थो सिलिकेट नाम लिखा तो इसकी संरचना कैसे बनी, रफ कॉपी में लिख के ट्राई करना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ये जो पोरफिरिन रिंग का चित्र, 100 श्योर है इस बार आएगा, मैं देता हूँ श्योरिटी, पोरफिरिन रिंग, ठीक है, इस बार आएगा पोरफिरिन रिंग का चित्र, अच्छे से डायग्राम देख लेना, एकदम से इजी सा डायग्राम है, देखना ट्राई करना। नेक्स्ट जैव प्रणाली में सोडियम पोटेशियम पंप की भूमिका, ठीक है, जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है, अरे सोडियम पोटेशियम देखो आप जो एटीपी का उत्पादन करते हो उसमें लिखते हो ना 3 सोडियम है बाहर की ओर गए, 2 पोटेशियम अंदर की ओर आ गए, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वही तो सोडियम पोटेशियम प्रणाली है, और क्या है। नेक्स्ट है सिलिकॉन ग्रीज, ठीक है, ये जो सिलिकॉन से रिगार्डिंग जो कंपाउंड बनते हैं उसके रिगार्डिंग, ये इस बार देखो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट का मीनिंग आएंगे, ठीक है, ये वाला पोरफिरिन और जैव प्रणाली। नेक्स्ट जैविक तंत्र में कैल्शियम मैग्नीशियम की भूमिका, क्षारीय धातु को मत, अरे नाम सुना कैल्शियम मैग्नीशियम, दांत किससे बने होते हैं, हड्डी से, कैल्शियम पेक्टिनेट है, कैल्शियम मैग्नेट है, दांत है, हड्डी है, ठीक है, ऑल ओवर इसी रिगार्डिंग मैग्नीशियम है, आयनों का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, कैल्शियम है, और देखो जो थायरोक्सिन हार्मोन है थायराइड से रिलीज होता है उसकी रिगार्डिंग कैल्शियम की भूमिका रहती है, ऑल ओवर सब इसी में लेना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ जैव प्रणाली में क्लोराइड आयनों का उपयोग, क्लोराइड नाम आता है Cl-, Cl- साथ ही कहाँ गए Na+, Cl- क्या बन गया NaCl, ठीक है, MgCl2, और भी कहीं भी क्लोराइड कंपाउंड बनते हैं उनके बारे में 2-4 कहीं भी उपयोग आते हैं वो बता देना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ हीमोग्लोबिन व मायोग्लोबिन पर लेख, ठीक है, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन सालों से बढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, उसमें जो एफ को पूरा सिस्टम बनाना, एफ पोरफायरिन रिंग, 4 तो क्या बनाई बेंजीन टाइप की 6 मेंबर रिंग, एक क्या बनाई एक हिस्टिडीन वाली वो 5 मेंबर रिंग, ठीक है। स्ट्रक्चर जो डायग्राम है हीमोग्लोबिन का
हो सकता है आपके यहाँ पे नहीं होगा, कोई अदर बायोलॉजी वगैरह में होगा, कहीं पर भी होगा, लेकिन हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का सिर्फ आप डायग्राम बढ़िया से बना देना, टीचर आगे पीछे का नहीं पड़ेगा, ठीक है, नीचे का नहीं पड़ेगा। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इसको पीछे करता हूँ, क्योंकि मैंने देखो मजाक की बात नहीं है, मैंने कई टीचर्स को देखा है वो इसी क्राइटेरिया को लेकर कॉपी चेक करते हैं, आपने यदि हीमोग्लोबिन का डायग्राम अच्छे से बनाया तो वो टीचर आगे का नहीं पड़ेगा, इतना पड़ेगा तो बहुत कम, मतलब एक तरह से नजरों में उतारेगा, ठीक है। तो आप डायग्राम को अच्छे से इफेक्टिव हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की संरचना को देख लेना, मायोग्लोबिन की नहीं आती है कोई बात नहीं है, लेकिन हीमोग्लोबिन को छोड़ना मत। और हाँ, हीमोग्लोबिन है उसके कार्य, अरे हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो ब्लड है आरबी से वहाँ पे क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन का ट्रांसपोर्टेशन कवर करता है। अरे छोटी क्लास में एक लाइन लिखी थी ना, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 20 ml ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, मेरे ही याद है, कब 12th आज 6-7 साल पहले जो नीट की कोचिंग की थी तब की लाइन रटी हुई है, ठीक है, तो आप भी अच्छे से उनको याद करो। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ मेटा मायोग्लोबिन और मेटा हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये जो इसमें जो चेंजेस हो जाते हैं Fe+2 Fe+3 वाला, ठीक है, तो वही चेंजेस की रिगार्डिंग दे रखे हैं। देखो कितना छोटा सा पेपर है, ठीक है, अच्छे से याद कर लो, नंबर अच्छे से आ जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपका पेपर बहुत अच्छे से जाएगा, ठीक है। और भी मैंने केमिस्ट्री जूलॉजी बोटनी के पेपर डाल रखे हैं, अच्छे से कर लीजिएगा। और हाँ देखो, मुझे किसी भी स्टूडेंट से ना एक रुपया भी नहीं चाहिए, कुछ स्टूडेंट करते हैं कि सर हम ये कर देंगे, वो नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप सभी के अच्छे नंबर आ जाए, मुझे मेरे लिए यही सब कुछ होगा, ठीक है। ओके, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। हाँ, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।